शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17/7/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक हम जो रोज सुनते हैं एसेंस ऑफ मुरली। तो आज मीठे मीठे बाप दादा ने जितना भी हम बच्चों को ज्ञान सुनाया है तो वो ज्ञान को बीच बीच में सार रूप में भी हम बच्चों को सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि बाबा ने सार क्या बताया। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। पहले तो आत्मा का, परमात्मा का, योग का, सृष्टि चक्र, विश्व के आदि मध्य अंत के इतिहास का, ये सब हम चित्रों पे बैठ के समझाते थे। परंतु अभी बुद्धि में सारी बातें आ गई है तो हमें किसी भी चित्र की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय यानी भविष्य में, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर से बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो कि पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर बाद में वैश्यवंशी, शूद्रवंशी और अभी हैं हम शिववंशी। तो बाबा कहते हैं इसमें चित्रों की दरकार नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, टाइम वेस्ट न हो इसकी भी सावधानी, और समय को सफल करने के लिए भी प्लानिंग करके रखनी है। माया गफलत न करा सके इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, वरदान है आज। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प के द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम कौन से? ब्रह्मचर्य व्रत के, अशुद्ध खान पान के, रोज सत्संग के। तो ये सारे नियम हमको दृढ़ संकल्प के द्वारा धारण करके अलबेलेपन को मिटाकर और ब्रह्मा बाप के समान मेहनत करते रहना है जब तक हम उसमें विजयी न बने। तो ऐसे अथक भव। स्पष्टीकरण में मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप समान ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो ब्रह्मा बाप में जो विशेषताएं थी वो हमें धारण करनी होगी। तो ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो, इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों को
ये डनलप को छोड़ो। डनलप का गदेला होता है ना, सोने में बड़ा आरामदायी होता है। तो बाबा कहते हैं ये आरामदायी संकल्प भी होते हैं, उनको छोड़ो। करना ही है ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो वो आत्मा समर्थवान होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।